निकाय चुनावों का आगाज होते ही मध्य प्रदेश में सभी जगह चुनावी माहौल पूरी तरह हावी हो चुका है। हर तरफ लोग चुनावी चर्चा कर रहे हैं और सभी प्रत्याशी और पार्टी कार्यकर्ता जनता को लुभाने अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में प्रत्येक बार से प्रत्याशियों द्वारा अपनी अपनी पार्टी से टिकट की आस लगाई जा रही है। पार्टी टिकट की इस दौड़ में हर बार से लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं। इसी तारतम्य में सागर की वार्ड नंबर 7 वृंदावन वार्ड से योग्य शिक्षित और मिलनसार प्रत्याशी का नाम निकलकर सामने आया है। भाजपा कार्यकर्ता दीपक दुबे की माताजी श्रीमती अन्नपूर्णा दुबे जी। आपको बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष के पद पर काम कर चुके दीपक दुबे लगभग 13 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए पार्टी की सेवा कर रहे हैं। हमेशा निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने वाले दीपक दुबे के बारे में जितना कहा जाए कम है। बिना किसी पद पर होते हुए भी दीपक ने हमेशा अपने वार्ड और शहर की जनता की हर परिस्थिति में हर संभव सहायता की है। चाहे गरीबों को सरकारी योजनाएं दिलाने की बात करें या कोरोना काल में लोगों तक राशन और दवाइयां पहुंचाने की, दीपक ने हमेशा निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने का प्रयास किया है। और प्रत्येक काम में दीपक को उनकी माताजी अन्नपूर्णा दुबे जी द्वारा हर तरह से सहयोग करते हुए हमेशा अधिक से अधिक जनसेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हर तरह से योग्य शिक्षित और बाढ़ में सबसे काबिल प्रत्याशी के रूप में अन्नपूर्णा दुबे जी का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। लगातार लोगों के बीच रहकर उनकी सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास करने वाले दीपक दुबे का नाम बाढ़ की जनता की पहली पसंद बनकर सामने आया है। सागर खबर 24 की तरफ से हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।